हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राकेश पवार। आज हमारी 18 अगस्त, तो देखते हैं आज के हमारे इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीत ली है? तो वो है लुइस हैमिल्टन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है? तो नरेंद्र मोदी। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? तो वो DRDO ने। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने पायलट रहित हवाई विमान और UAV के विकास के लिए IIT कानपुर के साथ समझौता किया है? तो वो है BSML, यानी कि भारत अर्थ मोवर्स लिमिटेड। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने पहली पॉकेट एंड्रॉयड डिवाइस POS लॉन्च की है? तो वो है पेटीएम। आगे एक क्वेश्चन देखते हैं हमारे, सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने किस नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो वो है आयुष फॉर इम्यूनिटी। सेवन्थ क्वेश्चन है, भारतीय रेल किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा घाट पुल बना रहा है? तो वो है मणिपुर। एट्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने येलो चेन केंद्रीय रथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वो है नागालैंड। नाइन्थ क्वेश्चन है, हाल ही में BSF के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वो है राकेश अस्थाना। 10th क्वेश्चन है, हाल ही में ग्वालियर चंबर एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर किनके नाम पर करने की घोषणा की गई है? तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी। 11th क्वेश्चन है, हाल ही में गो एयर एयरलाइन के नए CEO कौन बने हैं? तो वो है कौशिक खोना। आगे एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारे, 11th क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक का निधन हो गया है? तो वो है पंडित जसराज। 13th क्वेश्चन है, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और किस प्रदेश के मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन। आज का हमारा क्विज है, हाल ही में ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? दोस्तों, इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।